आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा हैंडलिंग की, और डेटा हैंडलिंग में हम बात करेंगे एडिटिंग वाले पार्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो सम को। ऑटो सम का यूज क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, इनको सम करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इसके जगह पे आप यहाँ पे ऑल्ट इक्वल सॉल्ट करने का प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला लग जाता है और आपका रेफरेंस भी आ जाता है। एंटर मारेंगे उसका टोटल भी आ जाएगा। तो ये आपका इससे होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक भी कर देंगे तो भी आपका अप्लाई होगा, या फिर इसका शॉर्टकट होता है ऑटो सम और अल्ट इक्वल ऑटो सम के लिए। ठीक है सर, जी सर। सम के अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, लेकिन शॉर्टकट सिर्फ सम पे चलता है, बाकी को आपको यहाँ जाके मैनुअल अप्लाई करोगे तो आएगा। क्लियर है सर? अब बात सर फिल। देखिए, जब भी हम कुछ राइट करते हैं या किसी को कॉपी पेस्ट कर, मोस्टली लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं, लेकिन कभी कभी आपने मुझे देखा होगा कि मैंने एक पूरा एक एरिया सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला वगैरह लगाता हूँ, जैसे रेड बिटवीन का फॉर्मूला ले लीजिए। रेड बिटवीन का फॉर्मूला आप देखा, मान लीजिए इस फॉर्मूला का मुझे अब जो है पूरे सेल में चाहिए, तो इसमें आपका एक ऑप्शन होता है कंट्रोल डाउन, डाउन सर, इसका कंट्रोल डी, डी फॉर डाउन, कंट्रोल डी जो कि नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देता है। फिर होता है हमारा कंट्रोल आर जो कि राइट की तरफ फिल करता है। तो कंट्रोल डी डाउन होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है, मतलब कि आपको कॉपी करके, मान लिया आपने कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसी चीज है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, या कंट्रोल आर या कंट्रोल डी करेंगे तो ये आपका पूरा में फिल हो जाएगा। ठीक है सर, डाउट इसमें? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अप और लेफ्ट के लिए आपका खुद का होता है, ये शॉर्टकट नहीं होता, यही सब खुद से कर सकते हैं माउस से, इसे शॉर्टकट नहीं होता। अब बात करते हैं एक क्रॉस वर्कशीट की। जैसे आपके मेरे आपके देख रहे हैं, मेरे सीट मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, इसमें कई सारे शीट्स हैं, लिख रहे हैं। मैं हर शीट के A1 पे डेट लिखना चाहता हूँ, तो जनरली क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर कॉपी करके पेस्ट 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 करते चले जाएंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे शीट 1 में अगर हमने डेट लिख भी दिया, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक एक शीट पे करने की क्या जरूरत है, मैं पहले शीट पे कॉपी करेंगे और शिफ्ट के साथ लास्ट शीट पे क्लिक करेंगे, क्या होगा, पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर में आपके यहाँ ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं जो भी इवेंट करूंगा तो ये चारों सीट पे होगा। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो आप कॉलम यहाँ पे देखेंगे कि सीट 3 पे भी, सीट 4 पे भी, सीट 5 पे भी। ठीक है सर, लेकिन जब सिलेक्ट करने पे जो भी है इवेंट करते हैं तो हर सीट पे होता है, तो हम कॉपी क्यों करें, हम टाइप करने से पहले ही शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट सीट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहीं पे टाइप कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। टाइप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका सारे
इसके अलावा आप जैसे कि कुछ जो करते हैं पूरा होता है, लेकिन आपके पास अगर अगर शिप के साथ अगर या कंट्रोल शिप के साथ पूरा सिलेक्ट होता है, कंट्रोल के साथ जो आप चाहोगे उस पे होगा। तो शिप के साथ पूरा आपको एक स्टार्टिंग एंडिंग सिलेक्ट करेंगे तो बीच के सारी शीट सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन कंट्रोल के साथ वन बाई वन सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप जाते हैं तो आपके सामने अक्रॉस वर्कशीट दिखता है। ये जो अक्रॉस वर्कशीट के काम यही है, जैसे अक्रॉस वर्कशीट आप करते हैं तो आपसे पूछता है कि ऑल चाहिए या फिर सिर्फ कंटेंट चाहिए या सिर्फ आपको फॉर्मेट चाहिए, क्या चाहिए आप यहाँ पे शो कर सकते हो। फिर जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा, जब मैं सिर्फ कंटेंट किया तो तीनों शीट पे कंटेंट गया, फॉर्मेटिंग नहीं गई। तो क्रॉस वर्कशीट समझ में आ गया। जी सर। उसके बाद बात करते हैं हम सीरीज की। सीरीज का क्या यूज है? जैसे आप यहाँ पे नंबर अगर टाइप करना होता है तो क्या करते हैं, वन लिखते हैं, फिर टू लिखते हैं, फिर ड्रैग कर देते हैं। एक फंक्शन भी है, जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ टाइप मैनुअल कर दीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप सीरीज पे आइए। तो सीरीज में आपके सामने यहाँ आपके पास रो एंड कॉलम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट कर सकते हो। लीनियर मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में स्टेप वैल्यू एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, और मुझे 20 तक बनाना है तो हमने 20 कर दिया। ओके करते हैं, देखिए 20 तक का सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली वो बन गया। और आप पर अगर आप यहाँ पे जरूरी नहीं है में यहाँ पे आप जो है स्टेप वैल्यू है आप यहाँ अपने हिसाब से दे सकते हो, और स्टॉक वैल्यू जरूरी नहीं कि आप डालो, वो नहीं डालने पे भी अपने आप ले लेता है, तो जितना सिलेक्टेड होगा उतना कर लेगा। इसमें आपके सामने ग्रोथ दिख रहा है। अब इस ग्रोथ में जैसे मैंने यहाँ पे टू कर दिया तो ये क्या करेगा, दो से सबको मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए इसका यूज हम लोग करते जाते हैं डेट में, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस महीने का डेट देता हूं। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ मुझे वीक डे चाहिए, तो सीरीज में अगर आप आते हैं तो यहां पे आपके सामने डेट में डे मतलब कि फिर एक पूरा डेट आएगा। अब मैं वीक डे करता हूं तो सैटरडे संडे नहीं आएगा, मंथ करूंगा तो जैसे 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी ऐसे मंथली आएगा, ईयर करूंगा तो सेम ईयर का ये पोजीशन सेम रहेगा। क्लियर सर? जी सर। तो ये आपको सीरीज समझ में आ गया। जी सर। तो सीरीज में जैसे कि आगे चल के जैसे हमें कॉलम वाइज रो वाइज डेटा बनाना होगा तो उस केस में हम सीरीज का ऑप्शन करेंगे। सीरीज का उसको और भी दो तीन जगहों पे हम करते हैं, तो सीरीज थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है आगे चल के, आगे हम आपके साथ और डिस्कस करेंगे, यूज करेंगे मतलब यूज बताएंगे इसका। ठीक है, जी सर। इसमें अगला ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है सीरीज में ये आपका आता है जस्टिफाई। हालांकि जस्टिफाई का यूज अब उतना खास नहीं रह गया, लेकिन 2019 से पहले इसका यूज हम बहुत सारा ज्यादा करते थे। मैं 2019 एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने लिस्ट ऑफ डेटा है,
तो अगर मुझे सबका एक चाहिए कि मैं यहाँ पे जैसे पूजा है तो मैं पूजा को यहाँ करूँ, फिर नीरज है तो नीरज करूँ, इस तरह से कॉमा करके सेपरेट करने की बात होती है, तो सेपरेट कैसे करेंगे? क्योंकि इसके लिए तो फिर मुझे कॉन्कॉर्डेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना सर। मैं कॉन्कॉर्डेंट का फॉर्मूला आके हम लोग क्या करते थे कि कॉलम को बड़ा कर देते, तो कॉन्कॉर्डेंट के फॉर्मूला में क्या हुआ कि मुझे एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर वो ट्रांस का भी तो आता है ना सर कॉन्कॉर्डेंट में? कॉन्कॉर्डेंट अगर आप लगाते हैं फॉर्मूला कॉन्कॉर्डा नेट के अंदर में आपको एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, एक पूरा रेंज सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपका रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ रिजल्ट में देखा रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कॉन्कॉर्डा नेट फॉर्मूला होता है, कॉन्कॉर्डा नेट इसमें आपको एक फिर कॉमा फिर दूसरे को फिर कॉमा फिर तीसरे को कॉमा इस तरह से। ताकि आपस में ज्वाइन होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहां में हमारे पास एक जस्टिफाई का ऑप्शन है जी सर। तो जस्टिफाई क्या करता है, किसको से करता है? जस्टिफाई का मतलब ये नहीं कि आपको एक सेल में कर देगा वो। जस्टिफाई का काम होता है कि जितना बड़ा कॉलम होगा उतनी डेटा वो रख देगा। मैं कॉलम बड़ा कर देता हूं तो आप देखेंगे अब ज्यादा हट जाएगा। फिर वापस अगर कम करना है, मैंने वापस जैसे था वैसा करना है, तो कॉलम को वापस छोटा कर दीजिए। तो कॉलम को वापस आप जैसे छोटा करेंगे और फिर आप उसको जस्टिफाई हम करते हैं यहां से, ओके कर दीजिए। अभी लेटेस्ट वर्जन में जो हमारा है 2019, उसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि हम इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्केट का फॉर्मूला है, कॉन्केट में देख करेंगे हो जाएगा। एक हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला है, सेपरेटर चाहिए, सेपरेटर में क्या चाहिए तो मुझे कॉमा चाहिए और उसके बाद में पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूंगा हो जाएगा। लेकिन 2016 तक इस बार इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था, क्लियर सर? लेकिन ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये इसमें तो है ना, 2013 में तो है? नहीं, अच्छा 2016 या फिर आपके पास ऑफिस 365 है उसमें मिल जाएगा। अच्छा ऑफिस 365 है। फिर में अगला ऑप्शन आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल बहुत ही ज्यादा पावर मतलब कि और अच्छा फॉर्मूला है। अब इसका यूज क्या होता है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, कुछ नेम लिखता हूँ, तो लिखा पूजा सिंह ठीक है। मुझे इसमें से फर्स्ट नेम और इसमें से लास्ट नेम अलग करना है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लेफ्ट राइट मिड वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मुझे अगर फ्लैश फिल इस्तेमाल करूं तो इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं जस्ट आप यहां पे जैसे हमने पूजा लिखा, पूजा को सिलेक्ट कर दिया और फिर यहां पे हम फ्लैश फिल कर सकते हैं। ठीक है। और यहां पे सेम मैं यहां पे सिंक कर दूं, तो जो आपको जो अलग करना है बस वो लिख दीजिए और फिर फ्लैश फिल को रन कर दीजिए, वो आपका अलग।
टैक्सी नहीं, अगर मेरे पास यहाँ डेट डले हुए हैं और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेट लेते हैं, मुझे डेट में से मंथ अलग करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और फिर इसको यहाँ पे फ्लैश फिल कर दूंगा डेट अलग करने का। वैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर्स रखूं, इसमें से डेसिमल प्लेसेस को अलग करना है तो यहाँ पे मैं 0.63 करता हूँ और फिर फ्लैश फिल करता हूँ तो फ्लैश फिल में ये अपने आप को देखा लग कर। लेकिन दिक्कत ये होती है, मान लीजिए दोनों अगर सेम हुआ तो जैसे 25 रुपए 25 पैसे, ठीक है सर, मुझे इसमें अलग करने हैं पैसे वाला, तो मैं यहाँ पे 0.25 लिखा और इस पे गया और मैं इसको कर दिया फ्लैश फिर, तो क्या हुआ ये ऊपर वाला बाहर वाला ले लिया इसने। एग्जांपल देने का ये जरूरत ये था कि जरूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग में ही करें, हम नीचे भी करें, ठीक है। तो आपका ये फ्लैश फिर ऊपर नीचे दोनों में वर्क करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये नहीं हो, मतलब कि फिक्स नहीं हो, साइज जो है फिक्स नहीं हो, कम ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें मान लीजिए कि थर्ड नेम को अलग करना है, तो अगर मैं यहाँ पे जीत लिखा और इसको फिल करता हूं मैं, ये देखिए पूजा आ गया, ये यहां से पोजीशन को पकड़ता है, उस हिसाब से अलग करता है। ये गलत हो गया ना सर, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो फ्लैश पे आप अपना प्रैक्टिस रखिएगा। फ्लैश के बाद बात आती है क्लियर की। क्लियर जैसे डेटा यहाँ है सर, इसमें एक चीज और था सर, अगर वो नंबर और टेक्स्ट साथ हो तो उसको भी गलत कर सकते हैं ना। पोजीशन के हिसाब से अलग करता है, ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया पूजा 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है कि यहाँ पे ओम और यहाँ पे हमने दे दिया, मैं अगर चाहते हो कि सिर्फ नंबर अलग करे तो मैंने भी कभी ऐसा ट्राई किया नहीं है, मैं देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा 1 2 3 और फिर मैं यहाँ से करता हूँ फ्लैश फिल, वर्क किया, मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको क्लियर, मतलब बहुत लोगों को इसको हटाना होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं ना। अब डिलीट करने में दिक्कत है कि मैं पूरी की पूरी कॉलम डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नीचे भी डेटा है, और नॉर्मली डिलीट करके मतलब हमने यहाँ पे कर दिया शिफ्ट अप सेल, तो क्या हुआ कि नीचे वाला ऊपर आ गया है सर, मुझे नीचे वाला भी ऊपर नहीं लाना है, मुझे इसको क्लियर करना। तो आप एक एक करके पहले आप डिलीट करोगे, फिर यहाँ से कलर नो कलर करोगे, बॉर्डर करोगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उससे आपके सामने क्लियर है, फिर में जाए क्लियर ऑल, पूरा क्लियर कर देगा, फिर क्लियर में आए, क्लियर आपका फॉर्मेट फॉर्मेटिंग क्लियर करेगा, कंटेंट कंटेंट क्लियर करेगा, कमेंट कमेंट करेगा, हाइपरलिंक हाइपरलिंक करेगा, ठीक है ना। तो जो क्लियर करना चाहे वो क्लियर आप यहां से
कर सकते हैं। डाउट सर इसमें? हेलो। तो ये क्लियर था। तो अभी आप क्या करें, आपको मैंने फ्लैश फिल का ऑप्शन बताया है, फ्लैश फिल यहां भी है और आपका फ्लैश फिल डेटा मेनू बार में भी मिलेगा, फ्लैश फिल। ठीक है, तो आप जो है फ्लैश फिल को प्रैक्टिस कीजिए। मुझे फ्लैश फिल के तकरीबन 10 एग्जाम्पल दीजिए, अच्छा फ्लैश फिल के टोटल 10 एग्जाम्पल मुझे बना के दीजिए आज। फिर कल हम आपके साथ बात करेंगे शॉर्टिंग के ऊपर। सर, आज मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए। बस मैं थोड़ा देर में दे देता हूँ, और आप और सर मुझे, आपको ये मंडे की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ सर। ठीक है सर, सर मुझे मंडे उसमें की भी ठीक डाला जो आपने शीट भेजी थी। वो इसकी पेन कार्ड वाली, हाँ फॉर्मेटिंग थी। हाँ सर, मैं उस पर डिस्कस करूँगा, बाकी लोग भी भेज देते हैं तो। ठीक है सर। सर एक सर कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग भी में भी डाउट डाउट था था, क्या सर, डाउट है? उसमें आइकन आइकन सेट्स सेट्स में में होता होता है है ना ना कि कि तुम तुम तीन तीन चीजें चीजें वो आ वो आ जाते जाते हैं हैं एरोस एरोस आइकन आइकन सेट्स सेट्स में, में, उसमें वो बेस। उसमें इसमें क्या बोलना है? हेलो, हेलो हेलो, तो निकिता जी लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो वो मंडे की वीडियो भेज दीजिएगा हाँ मैं मंडे की वीडियो निकाल लेता हूँ। फर्स्ट कह रहे मेरे पास डेली 50 वीडियो मिलते हैं ना, तो उसमें से तो ढूंढना सर। मुश्किल। वो आपने बताया था, काफी बताया था आपके हाँ मैं निकाल के आज भेज दूंगा आपको। पास। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं सेम टाइम। कंप्यूटर ले जो बाहर आई है ना, नल नहीं खोल लेती है।